पॉलिनोमियल्स पहले भी पढ़ा है 9th क्लास में भी है ना। पॉलिनोमियल हमने 9th में भी देखा था क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और एक चीज उससे पहले 7th में हमने पढ़ी है जिसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। 8th में पढ़ा है एक्सप्रेशन। एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है पॉलिनोमियल। दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिसिमिलैरिटी है, ठीक है। एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं और हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो ये होते हैं, साथ में स्क्वायर रूट हो सकता है, कोई इरेशनल नंबर हो सकता है और भी कोई दूसरा मैथमेटिकल सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्सप्रेशन में। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है किसके अंदर, एक एक्सप्रेशन में और एक पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही होता है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही होता है, बट उसके अंदर कुछ स्पेशलिटी होती है। क्या होता है उसके अंदर, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, ये चीजें आपको मिलेंगी किसमें, एक पॉलिनोमियल में, ठीक है। और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये तो होंगे ही, इसके अलावा भी स्क्वायर रूट हो सकता है, ठीक है, और किसी वेरिएबल पर नेगेटिव पावर हो सकती है। इसमें वेरिएबल पर नेगेटिव पावर नहीं होती, डिवीजन में वेरिएबल नहीं आता है, ठीक है, बट इसके अंदर एक्सप्रेशन में मैथमेटिकल दूसरे ऑपरेशंस होते हैं जैसे स्क्वायर रूट, ठीक है, क्यूब रूट, ये भी हो सकते हैं किसी एक्सप्रेशन में। तो हर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल हम नहीं बोल सकते। समझ आ रही है बात? सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिनमें ये हो और इंटीग्रल पॉजिटिव पावर्स हो। समझ में आ रही बात? इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल 1, 2, 3 इस तरीके से इंटीजर फॉर्म में पावर्स होंगी वेरिएबल पे, तो वो बनता है पॉलिनोमियल। बेसिकली वर्ड जो है दो टर्म्स से मिलके बना है, पॉली एंड नोमियल। पॉली मीनिंग मैनी एंड नोमियल मीनिंग टर्म्स। तो मैनी टर्म्स का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मल्टीपल टर्म्स का एक टर्म भी हो सकती है, उसको मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। दो टर्म वाले को बाइनोमियल, तीन टर्म वाले, ये हम 9th में पढ़ चुके हैं, एक फ्लैशबैक दे रहा हूँ पीछे से, ठीक है। पॉलिनोमियल बेसिकली कुछ भी नहीं होता, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर ये चीज़ें होती है, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, सॉरी डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। सो ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारी किसमें होती है, इन्हें बोलते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही हैं। तो ये होती हैं किसमें, पॉलिनोमियल में। लेट अस सपोज, अगर एक एग्जांपल में हमेशा देता, जैसे कोई नंबर है ये 45, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, नो वेरिएबल इज प्रेजेंट एंड ओनली वन टर्म, सो इट इज ऑल्सो कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉलिनोमियल, बट इट इज ए स्पेशल पॉलिनोमियल विच इज हैविंग ओनली वन टर्म, मीनिंग इट इज ए मोनोमियल। क्या है ये, मोनोमियल, मोनोमियल है, ठीक है, मतलब एक टर्म वाला, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इसमें अगर वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक, सो इसको 45x लिखेंगे, अब भी ये क्या है, मोनोमियल, बट एक वेरिएबल आ गया x, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल अगर नहीं है तो हम वेरिएबल ले सकते हैं, अगर कोई बोले कि ये इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, तो 0 है, एनीथिंग विच रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट इट एज 45x रेज टू पावर 0, ठीक है, 45x रेज टू पावर 0 इज मीनिंग 45 इनटू 1, बिकॉज x रेज टू पावर 0 इज 1, सो वी आर मल्टीप्लाइंग 45 बाई 1 बेसिकली, इफ वी आर राइटिंग हेयर x रेज टू पावर 0, ठीक है, ये तो हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से मालूम है, ठीक। तो ये क्या है, मोनोमियल, बिकॉज इट इज हैविंग ओनली वन टर्म। अगर हम इस तरीके से कुछ ले लें, 45x प्लस 1, सो इट इज ए बायनोमियल बिकॉज इट इज हैविंग टू टर्म्स, ठीक है, मल्टीपल टर्म्स आ जाए, सपोज 45x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 1, सो ये क्या है, ट्राइनोमियल हो गया। सो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद क्वाड्रीनोमियल, अगर 4 टर्म्स वाला है तो क्वाड्रीनोमियल, 5 टर्म्स वाला क्विंटीनोमियल,
क्विंटीनोमियल, क्यू यू आई एन टी नोमियल, फाइव टर्म्स वाला, क्वाड्रीनोमियल फोर टर्म्स वाला, अगर फाइव टर्म्स है तो उसको क्या बोलेंगे, क्विंटीनोमियल, एंड अगर फोर टर्म्स है तो क्वाड्रीनोमियल, और ये क्या है, क्यू ट्राइनोमियल, ये क्या है, बाइनोमियल, ये क्या है, मोनोमियल. सो ये तो है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. एक है नंबर ऑफ डिग्री, सॉरी डिग्री की बेसिस पे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के अलग अलग टाइप्स है. जैसे एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है, वन. अगर डिग्री वन है, डिग्री कैसे कहते, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. डिग्री क्या होती है, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑन ए वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री हाईएस्ट अगर वन है, इफ डिग्री इज इक्वल टू वन, डिग्री इज इक्वल टू वन, देन पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक, इफ डिग्री इज इक्वल टू टू, देन इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक. और अगर थ्री है तो डिग्री इक्वल टू थ्री, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. दीज आर द टाइप्स, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. इनको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स. हाँ, अगर वेरिएबल की बेसिस पे आ जाए तो वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे तो उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम स्टेट कर देंगे. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल. अगर एक ही वेरिएबल है, सपोज एक्स इज ओनली देयर, देन इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ठीक है, ये सारे पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, ये भी पॉलिनोमियल इन, अगर हम कुछ और लिखे, सपोज ये लिखते 3/5x प्लस 7, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अगर हम लिखते 3x 3/5x प्लस 7y, ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल. सो किसी भी वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐसी वैल्यूज जिनकी हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं मालूम, ऐसी कुछ कोई चीज़ जिसकी मैथमेटिकल कांस्टेंट वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल. एनीथिंग विच द वैल्यू ऑफ विच वी डोंट नो इज नोन एज ए वेरिएबल. किसी भी चीज़ की वैल्यू हमें नहीं पता तो वो क्या है, वेरिएबल है. समझ में आ रही बात. सो इसके बेसिस पे अब जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल देखो, जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, व्हाट इज जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये जो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म. इसको जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं. एक जनरल फॉर्म है ये वैसे, ठीक है. तो जनरल फॉर्म मीनिंग, इसी फॉर्म में हमें किसी भी पॉलिनोमियल को लाना पड़ेगा पहले, देन आफ्टर वी कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. ठीक है, व्हाट आर दीज, ए बी सी, दीज आर द कोफिशियंट एंड कॉन्स्टेंट टर्म. दिस इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज कोफिशियंट ऑफ एक्स, एंड दिस इज द कॉन्स्टेंट टर्म. वी कैन राइट इट एज पी एक्स. वॉट इज द मीन ऑफ मीनिंग ऑफ पी एक्स, पी एक्स मीनिंग पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स. इफ यू राइट पी वाई, इट मीन्स द पॉलिनोमियल विच इज हैविंग वेरिएबल वाई. इफ यू राइट इट एज ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी. सो ये क्या है, ये एक जनरल फॉर्म है ऐसे पॉलिनोमियल की जिसका अंदर वेरिएबल क्या है, वाई है. सो हम ये नेम देते हैं बेसिकली, ये पी एक्स पी वाई जो ब्रैकेट में एक्स है, ब्रैकेट में एक्स क्या डिनोट कर रहा है, जो हमने वेरिएबल लिया है वो क्या है, वेरिएबल हमने एक्स लिया है यहाँ पे. ठीक है, हमने वेरिएबल यहाँ पे वाई लिया, तो हम पी वाई लिखेंगे. अगर हम किसी भी वेरिएबल की जगह कोई कॉन्स्टेंट पुट करते हैं, वैल्यू डालते हैं, सपोज एक्स इज इक्वल टू वन रखते हैं, सो वी हैव टू राइट पी वन ओवर हियर, देन वी हैव टू राइट वन स्क्वायर वन बोथ दी साइड्स. इन इस जगह पे और इस जगह पे हमें वन रखना पड़ेगा, मतलब ए इंटू वन स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस सी. समझ लो. सो यहाँ पे वो आता है जो वेरिएबल की जगह हो, यानी एक्स वाई जेड हो, या वेरिएबल की कोई वैल्यू हो, कॉन्स्टेंट वैल्यू. समझ में आती बात. ब्रैकेट में रखते उसको. पी एक्स क्या है, नेम है, जनरल नेम. ठीक है, देखा जनरल फॉर्म, वेर ए इज इक्वल टू
coefficient of x square, b is equal to coefficient of x, and c is constant term. I think there is no problem at all, right? ठीक है, let us take an example. एक example ले लो, suppose we are, let us say 75, we can write it as 70 plus 5, and we can write further it as 7 into 10 plus 5. If we replace this 10 by x, we will having, we'll be having 7 into x plus 5, so it will become 7x plus 5. ये क्या linear polynomial है with variable x. हमने क्या किया है, हमने 10 की जगह x रख दिया, ये पूरी value 75 थी, जब x की जगह पे क्या था 10 था, x की जगह पे 10 था तब 75 था, अगर कुछ और कर दोगे तो वैल्यू ये 75 नहीं रहेगी, समझ में आ रही बात. सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, मीनिंग इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे. वॉट एवर वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, द पॉलिनोमियल विल बिकम, विल बी हैविंग द वैल्यू अकॉर्डिंगली. इफ इट इज पी एक्स, देन इफ एक्स इज इक्वल टू 10, देन ओनली पी एक्स इज इक्वल टू 75. If x is equal to 10, then px is equal to 75. And if x is equal to some other value, suppose if x is equal to 0, then px is equal to 5 only. ठीक है, सी जैसे ये चेंज हुई तो ये भी px की वैल्यू भी चेंज हो गई. सो अगर सपोज हमें इस जगह पे कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवन हो, कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवन हो, then we can find out the value of x. Back manipulation करें अगर हम, so we'll be having 7x plus 5 equal to 75. If we say the polynomial is equal to px is equal to 75, if we say the value of this whole polynomial is equal to 75, so we can write it 75. रख सकते हैं इधर? Yes sir, इधर रख देंगे. अगर हमने बोला कि polynomial की value क्या है 75 है, तो px is 75 रखेंगे. तो px is 75 रखेंगे तो इस केस में हम x कैलकुलेट कर सकते हैं, विल बी हैविंग 7x इज इक्वल टू 75 माइनस 5, 7x इज इक्वल टू 70, एंड x इज इक्वल टू 70 ओवर 7, तो x इज इक्वल टू 10. सो दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इफ px इज इक्वल टू 75. सिमिलरली दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट व्हिच px मीनिंग पॉलीनोमियल बिकम 0 इज नोन एज 0 ऑफ द पॉलीनोमियल. व्हाट इज अ 0 ऑफ पॉलीनोमियल?